अच्छा किया जो आपने बताया, क्योंकि सभी सवालों में ये आता नहीं है जी। फिर भी मैं एक बात करता हूँ कि लिंगों की बात चल रही है, तो क्या डीएनए के बारे में आपको कुछ पता चला? जब गोंड आदमी का डीएनए बचाया जाए तो वो कैसे बचाया जाए? तो आपको ये बता दे, बहुत अच्छा सवाल किया राहुल जी। जैसे हम अभी, मैं सलाह में हूँ सारुंग पे निकल मेरा, तो ये जो अहे उदाल, महे उदाल, अपाय उदाल, टिपा उदाल, धुंधे कुसार उदाल, भंडेदार उदाल, तो ये जो मैंने उच्चारण किए, तो ये नथिंग बट ये है धातु है, ये धातु है, मतलब टंगस्टन है उसमें, गोल्ड है, टीन है, हाँ ये धातु है, गोत्र के नाम, हाँ धातु है, धातु है जी, धातु है, हाँ मतलब उस काल में धातु की भी खोज हुई थी, खोज की थी, मतलब आप जैसे मैं सलाह में हूं तो मेरे में वो कौन से अनुवंशिक गुण है, आप कन्ना के है, हाँ तो आप में कौन से अनुवंशिक वो धातु के गुण है, तो वो इन्होंने ये रासायनिक भौतिक शास्त्र के भी वो अधिपति थे लिंगो जी, बहुत बड़ा ये, इतना बड़ा मतलब ये उनकी जो उपलब्धि है, हाँ साइंस, साइंस है, साइंस के बाद फिर ये प्रकृतिवादी है, ये इन्होंने उस समय में भी ये मतलब 1 से 12 जो ये पेन कहे जाते हैं, ये सब धातु है, ताराल गोंगो, माराल गोंगो, ये हमारे पास, हाँ हाँ हाँ, ये धातु है, सब धातु धातु है, तो इसकी तो विज्ञान ने इसकी स्टडी करना चाहिए, और इसको एक लेडीज का नाम भी दिया जाता है जी, जैसे आपको पता है हम 4 सगा का ले लेंगे, श्रीमाल, श्रीका, श्रीलाल, श्रीपाल, हाँ हाँ ऐसे नाम है, तो उसको लाल देवी, रूपा देवी, हीरा देवी, हाँ ऐसे नाम दिए गए, ये कहाँ से आते? हाँ तो ये सब ये धातु के नाम है, ये सब तो आपको वैज्ञानिकों ने मतलब ये इतनी बड़ी खोज है, मतलब इतनी बड़ी सभ्यता है, तो ये धरती वासियों ने इसका अध्ययन करना चाहिए, बिल्कुल हाँ, ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है, बहुत बड़ा बड़ा साइंस है, और बहुत बड़ी प्रकृति है, ये शिरडी सिंगार जो है ना, तो ये इसको विश्व समुदाय ने ये गोंडी साहित्य को जानना चाहिए, हाँ जी, धातु के नाम देने के पीछे हाँ ये भी रहा है कि उसमें कौन से गुण है, हाँ गुण है, मतलब आपके लिए कौन से हितकारक है, हाँ, और कौन से अहितकारक है, हाँ, है ना, हाँ, मतलब किसी दो खनिज पदार्थ का मेल किया जाए तो उसकी उत्पत्ति अच्छी होगी, हाँ ये उसके गुण है, और इसीलिए सम विषम गोत्रों के नियम बनाए, नियम बनाए जिसमें शादियां उस सम विषम हाँ, गोत्रों में, मतलब गरीब गरीब हो या अमीर हो, ये गोंडी गुणवाना के गण समुदाय, फिर वो चाहे भील समुदाय क्यों ना हो, हाँ, भील जो है हमारे, हाँ, या हमारे मीना है, हमारे उराव है, हमारे संथाल है, तो ये इसका परिपालन करते आ रहे हैं, और ये सब गोंडवाना के गंड जीव है, गोंड है ये सभी, जो गंडा जीव है जो गंड गोंडी को, तो ये तो बात बहुत सही कहा, और डीएनए के बारे में तो आपने बहुत जी, अच्छा बताया।